नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बड़ी खबर आ रही है मऊगंज जिला स्थित सिविल अस्पताल मऊगंज से, जहां एक प्रसूता की डिलीवरी उपरांत मौत हो गई। गांव का नाम हरहा निवासी और मऊगंज नगर परिषद में भी वार्ड क्रमांक 7 में मकान बना है। मृतक का नाम सुमन, पति का नाम प्रमोद साहू, पिता का नाम राजमणि साहू। 27/2/2024 को मऊगंज सिविल अस्पताल में भर्ती हुई थी, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के 4 घंटे तक प्रसूता पूर्ण रोपण स्वस्थ रही, इंजेक्शन लगाने के बाद प्रसूता की अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की गलती से प्रसूता की मौत हुई है। उधर पंचनामा उपरांत मृतका के शव का पीएम कराया गया है, लेकिन परिजन चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के ऊपर कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक FIR नहीं होता, तब तक मृतका के शव को नहीं ले जाएंगे। भर्ती कराया गया यही मऊगंज जिला, परसों हाँ। कल डिलीवरी हुई 12 बजे लगभग। डिलीवरी होने के बाद 4 घंटे वो ठीक थी, और मतलब सिस्टर पता नहीं कौन सा ऐसा इंजेक्शन दी कि मतलब उसके 10 मिनट बाद ही डेथ हो गई, शरीर में अठन हुई, डेथ हो गई। ड्यूटी पीरियड से वो इंजेक्शन देने के बाद चली गई, अभी तक उसका पता नहीं। क्या नाम है? सुदीप साहू। सुमन साहब जिसकी डेथ हुई है उसकी, सुमन साहब। ड्यूटी में रेखा सिंघल, रेखा सिंघल ड्यूटी में थी जी। तो अभी तक वो सिस्टर नहीं आई, जबरदस्ती पंचनामा में मतलब दस्तखत करवा के पोस्टमार्टम किया करवा दिए, और उसके पहले पैसा भी कुछ मांग रही थी, कमरे में ले चलो दिखाने के लिए, ऐसा कुछ था। अब जबरदस्ती इन्होंने दबाव बना के पंचनामा में दस्तखत करवा के PM करवा दिए। अब उसकी कोई अभी तक FIR नहीं हुई है, ना कुछ हुई है। दिखाते के लिए क्या कैसा लिख के अपना फॉर्मेलिटी अदा करके काम कर लिए जी। क्या नाम है आपका? राजमणि साहू। कहाँ से हैं? फूल बजरंग सिंह। क्या घटना हो गई? हमारी लड़की को रेखा सिंगल ने मार डाली है डिलीवरी पीरियड में। कैसी? डिलीवरी होने के बाद क्या घटना है, पूरा विवरण बताएं। हमारी लड़की को मैं परसों 11 बजे रात, 27 तारीख को 11 बजे रात 10:30-11 के टाइम में लेके आया है, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद कल 12:30 बजे दिन में डिलीवरी हुई, और डिलीवरी होने के बाद वो 3:30-3 बजे तक मेरी लड़की सही थी। इसके बाद रेखा सिंगल आई, मैं जब उनको बुलाने गया रूम में तो नहीं आई। 2 बार गया तो क्या बोली, 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, फिर आई नहीं। बाद में आई तो मेरे लड़की के इंजेक्शन लगाने लगी। जब इंजेक्शन लगाने लगी तो इंजेक्शन लगाने के लिए मैं मना किया, तो जब मैं मना किया तो मेरे को धक्का मार के हमको, और इंजेक्शन ज़बरदस्ती मेरे लड़की को लगाई। और उसके इंजेक्शन लगाने के दरमियान सिस्टर से लगवाई, वो नहीं लगाई है, लगवाई सिस्टर से है। उसके दरमियान मेरी लड़की को 10-20 दिन पहले जब इसकी रिपोर्ट आई थी सोनोग्राफी की, तो मेरे दामाद दिखाए थे, तो ये क्या बोली इसको आशीर्वाद हॉस्पिटल में ले चलो, आज ही ले चलो, और 30-35-50 हज़ार का खर्चा लगेगा। तो हमारे दामाद बोले, तो हमसे, मैं मुंबई में था, तो हमसे हमारे दामाद बोले कि आप चलो। तो मैंने बात किया एशियन सिंह डॉक्टर से, उनको भेजा, एशियन सिंह डॉक्टर बोले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी नॉर्मल है, इसी हॉस्पिटल में हो जाएगी। डिलीवरी यहाँ पे हुई नॉर्मल, और नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद सिस्टर, जो दो सिस्टर थी वो डिलीवरी की, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बराबर डिलीवरी करके हमारे मरीज को अच्छे से करके गई। बाद में रेखा सिंगल आई, वही सुई लगवाई है, और वो बोली सुमन का डिलीवरी हो गई, तो बोले हाँ हो गई। वो ले जाके एक इंजेक्शन उसके लगवाई है सिस्टर से, और उसी में मेरे लड़की को 10 मिनट बाद मौत हो गया। और मेरी लड़की का ये भी जो दवा इंजेक्शन लगाई है, मेरे लड़की का चेहरा 5 मिनट में काला पड़ गया और चेहरा सूख गया। आपने FIR किया? हाँ, FIR गया थाने में, तो FIR नहीं किए, बोले वो आवेदन ले रहा हूँ, आवेदन करने के बाद PM करता हूँ, PM करने के बाद FIR लगा। संबंध में सर, कल एक प्रसूता की मृत्यु हो गई है, उसका नाम था सुमन साहू, वाइफ आप प्रमोद साहू, उम्र 20 वर्ष की थी, चक्रभाटी की थी, वो नाइट में भर्ती हुई थी सर, और कल 12 बजे के लगभग, 12 या 11:30 कैसे लगभग डिलीवरी हुई थी, जो कि एकदम नॉर्मल था, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ थे। लेकिन सर 4:30 बजे के लगभग सिस्टर द्वारा बताया गया कि साहब उसकी, सुमन की डेथ हो गई। किस वजह से सर उसकी डेथ हुई? सर वो तो जांच फिर पता चला गया, PM के बाद ही पता चला गया सर कि क्या है। सर डॉक्टरों के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए जा रहे हैं, तो उसकी उस पे क्या जांच करवाएंगे सर, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं
उसकी जांच होगी। सीएमएचओ साहब द्वारा ये भी बताया गया है कि सर उसका रिकॉर्ड सब जब्त कर लिया जाए, मैं उसकी कार्रवाई